गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़ियां विच माहौल उस वेले तनावपूर्ण बन गया जदों तेज हवावां चलण कारण गलियां विच गुरबाणी के अंग अध सड़ी हालत विच देखे गए। मौके ते थाणा फतेहगढ़ चूड़ियां विच इतलाह दित्ती जिथे DSP बलवीर सिंह ते होर मुलाजमां समेत घटना स्थान ते पहुँच के बरीकी नाल छानबीन कीती। उन्हां कहा कि जो भी दोषी पाया गया उस नूं बख्शा नहीं जाएगा। घटना स्थान के नेड़े गवाह हरदमन सिंह ने दसिया कि दो दिन पहला कवीसर बलविंदर सिंह जौहल के बेटे गुरजीत सिंह राजू और उसकी पत्नी पलविंदर कौर कुछ साड़द्या वेख्या गया। बलविंदर सिंह जौहल दी कवितावां के टुकड़े भी अध जले मिले होने कारण बलविंदर सिंह नूं पुछया गया तो उन्होंने अणजाणे विच होई गलती कह के अपनी गलती नूं मन लिया। मौके पर तिना नूं गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा नंबर 47 धारा 295 ए IPS तहत मुकदमा दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। तुसी मानदे जे इह जिहड़ा गुनाह तुहाडे कोल होया? मैं इह गुनाह नूं नहीं, मैं ते अपने आप शर्म च मरना भी नहीं काम करना। सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, भाई गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने आदेशों के उपर बाद दोपहर पता लग गया कि फतेहगढ़ चूड़िया के अंदर गुटका साहब की बेअदबी हुई है। मौके पर आके पड़ताल की तो वाकया ही वह सही पाया गया। गुटका साहब बुरी तरह जलाया गया से। इतों के असी धनवादी हाँ सरदार बलबीर सिंह जी, जिन्हों इतों पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी मिली हुई है, उन्होंने बाखूबी निभाई है। 295A का परचा दोषियों के उपर किया गया है। तो अगह तो भी सिख संगत सुचेत रहन, थां थां ते इस तरह घटनावां वापरियां ने, यह साडी जिम्मेवारी बनती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब सत्कार हर हीले बरकरार रखा जाए। अज शामी इतलाह मिली सी कि फतेहगढ़ चूड़ियां दशमेश नगर के गुटका साहब के अंग किसी वालों जाल दिते गए। मौके पर गए उत्थे सिख जथेबंदियां दे वख वख अहुदेदार जिहड़े भी इकट्ठे हुए सन। हरदमन सिंह ने एक साडे कोल बयान लिखवाया जिन्हां ने यह गल दसी भी असी जदों गुरु महाराज के गुटका साहब के अंग देखे तो उन्होंने इस गल की पड़ताल की। अगे कुछ पंजाबी लिटरेचर नूं जिहड़ी अग लाई हुई मिली जिहदे विच बलविंदर सिंह कुशर दीआं हथ लिखतां ते उन्होंने साइन हुए मिले, तो पता लगा भी बलविंदर सिंह कुशर नूं उत्थे बुलाया गया। मौके पर जिन्हां ने मनिया भी साडे घर दे विचों ही ये सारा जिहड़ा लिटरेचर आया सी जिहदे विच साडे तों गलती नाल गुटका साहब जिहड़ा आ भी सानूं पता नहीं लगा। मौके पर हरदमन सिंह ने उन्हां दे खिलाफ़ बयान लिखाया। बलविंदर सिंह जौहल जो आप भी अमृतधारी सिख ने, उन्हां दा बेटा गुरजीत सिंह ते उन्हां दी नौं पलविंदर कौर, जिन्हां दे खिलाफ़ 295A तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया, तो जिन्हां नूं इस मुकदमे दे विच असीं जिहड़ा भी गिरफ्तार भी कर लिया। मैं फतेहगढ़ चूड़ियां दी सारी संगत नूं यह बेनती भी करदा भी अगे तो घरां दे विचों जदों कोई किसी भी तरह का समान जदों आपां कितें जालदे तो उहदा बहुत ही ख्याल रख्या जाए। तो मैं धन्नवाद भी करदा फतेहगढ़ चूड़ियां वासियां दा जिन्हां ने बड़ी संजम भी रखी ते साडा साथ भी मौके ते दित्ता। सिख जथेबंदियां ने भी साडा बहुत साथ दित्ता ते असीं भी मौके ते जाके उहनां हालातां नूं जिहड़ा सांभिया ते इहनां दे खिलाफ जिहड़े कसूरवार सी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी कर दित्ती गई है जी। गुरदासपुर तों सुखवीर सिंह दी रिपोर्ट, पैरेदार टीवी। जेकर हाले तक तुसी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब दे बटन ते दबा के साडा चैनल सबसक्राइब कर लो अते बैल दा आइकन भी दबा दो ताकि हर खबर तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचे।